हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय वाजपेयी और रीजनिंग कंप्लीट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ एंगल टू टाइम, और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं एट वॉट टाइम बिटवीन 4 to 5 मिनट एंड आर हैंड विल कोइंसाइड, यानी कि 4 से 5 के बीच में घंटे और मिनट के कांटे आपस में कितने बजे मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम्स दिए हैं तो डेफिनेटली आपको एसएससी में, रेलवेज़ में, पीएससी में, व्यापम में, इन तमाम सारे एग्ज़ाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला होगा। चलिए, आज मैं आपको ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको सिखाता हूँ। ठीक है, कितने बजे ये कांटे आपस में मिलेंगे? यदि आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपस में मिलने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस तरीके से ये मैंने जो स्क्रीन पे एक आपको क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से है। 4 to 5 के बीच में ये कांटे कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, ये 4 o'clock का टाइम है। 4 से जब क्लॉक हमारी आगे बढ़ना स्टार्ट होगी तो अभी हम सीखेंगे कुछ इस तरीके से, इसी को बोलेंगे कोइंसाइड होना, इनका आपस में मिलना। तो हम निकालना सीखते हैं कि ये कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ इमेज ड्रॉ करी हुई है दो लोगों की। ये स्टोरी पूरा इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूल में या कॉलेज में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे इसका यूज़ हम क्लॉक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आप इमेजिन करिए, ये एक व्यक्ति है जो इस दिशा में भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है जो इसका पीछा कर रहा है। क्लियर, ये व्यक्ति इसको पकड़ने के लिए इसका पीछा कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेगा, और इसको पकड़ना है तो इससे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, इसलिए मैंने मन से मान ली 20 किलोमीटर्स पर आवर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर्स। ठीक है, एक प्रिंसिपल इस टॉपिक में, एक प्रिंसिपल होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट या दो लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड माइनस होती है, और जब दो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो स्पीड प्लस होती है। ये कैसे होता है, आप इस तरीके से इमेजिन करिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक मेरा पैनिक ऑब्जेक्ट है। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आएंगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, और ये जल्दी मिल पाएंगे। लेकिन जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा है यानी कि 20 ज़्यादा है, -10, और ये जो स्पीड है ये एक व्यक्ति की ना होकर के दोनों की स्पीड होती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, 50 किलोमीटर्स, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है कितना टाइम। ठीक है, मैंने मन से मान लिया कि इस व्यक्ति ने दोपहर के 12 बजे से दौड़ना स्टार्ट किया था इसको पकड़ने के लिए, अभी हमें देखना है कितना टाइम लगता है इसको पकड़ने में। ठीक है, चलिए, 20 में से 10 लेस होगा, 10 बचेगा, 50/t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो t इज इक्वल्स टू, ये 50 क्लियर होगा, क्रॉस होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आवर्स। 5 आवर्स लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे इस व्यक्ति को, जब इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए ये दौड़ रहा होगा, यानी कि 12 बजे से चलना स्टार्ट किया था, 5 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये है कि शाम को 5 बजे ये पकड़ लेगा। क्लियर, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सेम कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए ये भी तो दो व्यक्तियों की ही तरह है, ये एक व्यक्ति है जो आगे आगे चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये एक दूसरा व्यक्ति है जो इसका पीछा कर रहा है। हमें बताना है कि ये दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे, मतलब यही हुआ ना कि ये इसको कितने बजे पकड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए तो देखते हैं,
अगर हम बात करें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तो हमें निकालना है स्पीड कितनी है। स्पीड इसकी होती है, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप फर्स्ट जो लेक्चर है क्लॉक का, बेसिक लेक्चर, उसको पहले समझ लीजिए। आर हैंड की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की यानी कि मिनट के कांटे की चाल होती है 6 डिग्री पर मिनट। आ रहा है समझ में? और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डिग्री के फॉर्म में, यदि मैं बात करूं तो 4 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4, एक ब्लॉक का मतलब 30 डिग्री होता है। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है पहले के वीडियो लेक्चर्स में, तो 4 ब्लॉक का मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सिंपल, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। कैसे, देखिए, स्पीड 6 माइनस हाफ, जो भी हमने स्टोरी में समझा है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 120, अपॉन ये टाइम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6 में से हाफ जाएगा तो 5.5, या फिर इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, 6 2 जा 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 11/2 इज इक्वल्स टू 120/t। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तब क्या होगा, टी इधर आ जाएगा, ये 2 इधर इंटू हो जाएगा, तो 120 × 2 विच इज़ 240/11। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 240/11, बस सिंपल, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 11 दूनी 22, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 11 एकम 11, 9/11। इतने मिनट के बाद में 21 right 9/11, यानी कि 21 सही 9/11 मिनट के बाद में मिनट का कांटा घंटे के कांटे के पास में पहुंच जाएगा। किससे किससे 21 सही 9/11 मिनट के बाद, ये 4 बजे से चलना शुरू किया था, ठीक है, तो 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर ये कांटे कोइंसाइड करेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे इसका ये आंसर आया। देखिए, क्लॉक में ये 4 बजे की पोजीशन है, जब भी 4 to 5 हमें बोला गया है, हम फोकस किस पे करेंगे, 4 पे, यानी कि 4 o'clock। ठीक है, इनके बीच का ये जो डिग्री के फॉर्म में डिस्टेंस है ये कितना है, 120। चलिए, हमने क्लॉक को चलाना स्टार्ट किया इस तरीके से। अब चूंकि हमारा घंटे का कांटा भी तो आगे मूव कर रहा है आर एंड, तो आप ये देखिए, ये पोजीशन होगी एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? पूरा 4 नहीं है, पूरा 4 बज के 21 मिनट नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इससे आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा, यानी कि 21 सही 9/11 मिनट इज दी आंसर। अब दोस्तों, ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन करना क्या है, हमारा जो आर हैंड है इसकी स्पीड तो हमें हमेशा कांस्टेंट होगी ना, हाफ डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट होगी 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि ये वाला स्टेप तो हमेशा सॉल्व करने के बाद में 11/2 ही आना है। सो व्हाट डज इट मीन, कि हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे करना है। डिस्टेंस कितना है, 120। 120 का डबल करना है और 11 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, बस एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से अभी मैंने 4 से 5 के बीच में दिखाया आपको, उसी तरीके से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 5 से 6 के बीच में। ठीक है, देखिए, इस बार हम क्वेश्चन में लेने वाले हैं 5 से 6 के बीच में, कितने बजे दोनों ही कांटे आपस में मिलेंगे, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोलेंगे, इसको आपस में मिलने को क्या बोलेंगे, इनके बीच में अभी कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, या फिर ये आपस में कितने बजे मिलेंगे, इन दोनों ही तरह के सवालों का मतलब सेम है। ठीक है, चलिए, 5 से 6 के बीच में ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से ये 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा फोकस किस पे होगा, 5 पे, नॉट 6 पे। ठीक है, तो हम घड़ी में 5 बजा लेते हैं, कुछ इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 5 बजा हुआ हमारी घड़ी में। यहां पर क्या आएगा, हमेशा
11/2 स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 5 ब्लॉक्स हैं मतलब कि 150 डिग्री अपॉन में टी। सिंपल, हमें सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस डबल हो जाएगा, 150 का ये 2 से इंटू होगा तो 300 अपॉन में 11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, 11 2 जा 22, 80 हो जाएगा। 27 राइट 3/11 मिनट्स के बाद में ये कोइंसाइड करेंगे किससे, 27 राइट 3/11 पाँच के बाद, तो 5:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होंगे, दोनों ही हैंड्स कोइंसाइड करेंगे या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। ये 5 o'clock पे हमें फोकस करना है, हमने इस तरीके से कांटों को मूव किया और आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ये पोजीशन पे मिलेंगे। आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये 28 मिनट है, 28 मिनट, ये 29 मिनट, ये 30 मिनट, तो ना पूरा 27 है ना पूरा 28 है, 27 सही 3/11 मिनट इज दी आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आप इस तरीके के हर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं सेम ट्रिक से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यदि किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।